तो मैं कर दूंगा क्या खिला दिया पाई को सुबह सुबह उल्टी करा दी चूरन मैंने घर का बनाया है वो खिला दिया मैंने सुबह सुबह पेट साफ करती रहा सुबह अब आके मेरे पीछे पड़ेंगे अभी डांट लगेगी ये देखो बुआ जी ने इतने सारे चूरन वूरन रख रखे सुबह सुबह गोली दवाई ये मेरी घरेलू दवाई है आयुर्वेदिक हो रही है पूरी दवाई बना रखी है मैंने पूरी बैद हो रही हूं अब डांट खाने के लिए तैयार हो तो मैं क्या जबरदस्ती थोड़ी कर रही हूँ बात तो सही है मुझे देख कर खा मैं भी खा लूं नहीं नहीं ये बात तो मेरे सामने की वो आधा चम्मच खा रहे थे आपने बोला भर के खाओ हाँ तो भर के तो खानी चाहिए ना खाओ तो पूरी A few moments later. भाई सुबह सुबह आपका चूरन खिला दिया कौन सा चूरन खाया आपने बनाया इतना बुरा देखो इन्हें भी होगी मुझे और रोटी करवाओ आप अब खाओगे सुबह सुबह चूरन रोज अरे मैं हाथ लगा लूंगा उनसे फेंकूंगा मैं तो खाऊंगी मैंने बनाया किस चीज का चूरन बुआ जी इतना कड़वा मेथी और जहर फहर क्या मेथी है काली जीरी है और इसमें अजवाइन है उसे रोस्ट करके और मैंने इसका बनाया हुआ पीस के इससे पेट साफ हो गया पेट साफ ना होता और पेट सही होगा कम हो गया सही होगा डाइजेशन बना रहा है पेट हल्का हो जाएगा ठीक हो जाएगा बताई तो इनके लिए भी है पर इनको तो कोई चीज खाई ना जाती मीठी चीज खा में चटो रहे हैं लड्डू बर्फी अभी गया कलाकंद लिया बहुत बड़ी कटोरी खा लेंगे तो खाने की चीज ये खाने की चीज ऐसी चीज ना खाई जाती गुड मॉर्निंग कर लो इसी के साथ धमाल धमाल रोटी करते घूमे हो गुड मॉर्निंग सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग भम्मू की तरफ से भम्मू की दुनिया की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग पर मेरी ने बैड मॉर्निंग कर दिया कड़वी कड़वी मॉर्निंग है पाई की चलो ये लीजिए सभी को आरती सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जो भी आपने सोचा है सब कुछ आपका हो जाए इसी के साथ मैं आपको रोज आरती देती हूँ डेली आरती देती हूँ मैं भूलती नहीं होता है ना और ये है मेरा वही दुपट्टा जो नीम करौली बाबा ने दिया है वहीं से मिला मेरे को और इसमें जो आशीर्वाद छिपा हुआ है ना वो आपको भी मिलता है साथ में डेली डेली इसका भी आशीर्वाद मैं आपको देती हूँ सारी आपकी इच्छाएं पूरी भगवान ने और देखिए मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है आज मैंने पहनी शर्ट खादी की कॉटन की कॉटन हाँ मैंने सिलवाई है कपड़ा ला के मतलब मैं फैब्रिक खुद लेके आई हूँ खुद मैंने फिर ऐसे सिलवाई अच्छी लग रही है कॉमेंट करके जरूर बताना उसी पीरियड में चले चल रहे हम भी हम दोनों को मारने के मूड में आज उठी ना चलो भाई अच्छा मैं जाऊँ चलो मैं जाऊँ नहीं तुम देखो घर में चप्पल ऐसी लगती है तुमसे बड़ी लगाई हाइट में भी तो बड़ी है वो शायद पैसे मिलेंगे फिर तो चलो फिर तुम्हें छोड़ आएगी परसों भी आई ना चलो जल्दी जल्दी नानी चलो तू नीतू का अच्छा और कोई नहीं जाएगा अच्छा ये तो आ गई बैठा तुम क्यों आए हो सीरो ना बता दीजिए सर है मेरे रूम में तो जो बैग लेके जाएगा मतलब पैसे उसको हां बैग वाले को ना मैं फोन लेता हूं ले तो फिर मैं सुनो 2000 में से एक एक हो गए देखो देखो गेट भी खोल के नंगे पैर आए देखो उसे गेट भी खोल गेट खोला इतनी धूप में गेट पकड़ा है ये तो कॉम्पिटिशन बढ़ा जा रहा है
आपका एक फोन कैसे दो भाई, आपका दो फोन, आपके तीन फोन, आपका एक बैग दिया मैंने, तीन फोन भाई के, तीन तीन फोन है एक पैक के बदले तीन फोन। भाई रिक्की को जरूरत नहीं है, उतने गाने होते हैं, दो ही दो भाई, तुम जा रही है ना, दो मिला गाड़ी तक छोड़ने वाले को, दो रूटीन में भी ले सकती है डेली, ठीक है भाई। चलो पैसे, आज हमारी कमाई हो गई है, सुबह सुबह की कमाई। भाई लगा कभी, ये तो सो गया, आया ही ना, कितने खुश हो रही हो, क्यूट है यार, छुपा लूं भाई, गाड़ी भी खा लूं, हम तो निकल रहे हैं। भगवान जाने कौन सा शॉट था, मॉम मॉम कौन सा शॉट है, ओके बाय बाय, ये हेलीकॉप्टर शॉट है, ठीक है हम लोग भी जाएंगे काम पर, ओके मॉम बाय बाय, चलो मैं जा रही हूँ आज यथार्थ में, क्योंकि मेरी भाभी आई हुई है, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उन्हें देख के आती हूँ, और उधर से मैं बहादुर को भी देखाऊंगी कि बहादुर ऑफिस पे है। चलो भाभी ये आई है यथार्थ हॉस्पिटल में, इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो हमारे डॉक्टर हैं फैमिली डॉक्टर चिराग टंडन, उन्हीं की दवाई लगती है हमें और उन्हीं की दवाई लगती है इनको, पिछली बार भी इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो यही डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी और एकदम ठीक हो गई, अब ठीक हो जाएंगी, दवाई लेते हैं ना, हो जाओगी ना। भाभी को दिखाने लाई ना डॉक्टर के, उन्होंने बोला है कि इनके कुछ टेस्ट होने हैं, तो कल टेस्ट कराने हैं सुबह 8 बजे खाली पेट, उसके बाद इन्हें दिखाएंगे एक बार इनकी रिपोर्ट, अब देखे दो क्या बताते हैं, अभी कल ले जा रही हूँ अपने साथ ही। अब जा रहे हैं हम बहादुर को देखने के, बहादुर की भी जो तबीयत खराब है, मतलब ऑपरेशन हुआ है, अब वो ठीक है एकदम, लेकिन एक बार और देखे आते हैं, और कल बहादुर के टाके कटेंगे। बहादुर इधर कमरे में, बहादुर ये देखो बहादुर को रेस्ट चल रहा है, अब कैसी है तबीयत, ठीक, अब एकदम ठीक, दर्द वर्द कैसा, दर्द है अभी थोड़ा कम है, अच्छा पहले से तो कम है ना, पहले से कम, मतलब दे वाई दिन रोज कमी होता जा रहा है, और अंडे चल रहे हैं, हाँ अंडे मेरे से भी खत्म हो गया, तो ले आया, आई भी रहा है, तुम मत दो ना, जब हम है पूरा खर्चा करने के लिए, फिर क्यों दे रहे हो, चलो वो तुम्हारे दे देंगे हम, ठीक है, और बताओ कल जाऊंगा मैं ये करने के लिए, टाके कटने, टाके कटने, वो मसाला वगैरह भी आएगा बोल रहे, मसाला आ जाएगा, कुछ यहाँ का सिलेंडर, अच्छा ठीक है तो भर लाएंगे, वो भी ले जाएंगे कल साथ में, तुम्हारे टांगे कट जाएंगे आराम से, बढ़िया से आना, अपने घर बात कर रहे हो रोज, सब बता दी कर, मैं एकदम बस बढ़िया हूँ, अब तुम्हारी बीवी बच्चे खुश है, मैं आ रही है बहादुर सुबह नहाने वाले 6 बजे बस है, बहादुर 5:30 नहा लेते हो ना, 10 दिन हो गया मैंने, अच्छा तो बहादुर एक काम कर लो ना, टॉवल लेके गर्म पानी करवा लो किसी से एक बाल्टी में, और टॉवल लेके टॉवल को निचोड़ के ऐसे ऐसे पहुंच लो, ठीक है, चलो और कोई परेशानी हो तो बताना, चलो घर चल रहे भाई, बहादुर के बीवी बच्चे अगर हमारी भाषा समझते हो, नमस्ते, तो बहादुर एकदम ठीक है, फिट है बहादुर, बता दिया कल बात होती है, अच्छा रोज बात होती है, ठीक है तुम भी ठीक हो कांचा, बढ़िया सही है, बहादुर का ध्यान रखना पूरा, खाने पीने का क्या खाते हैं, गाली चीज अभी कोई भी नुकसान देगी, अभी ना सब्जी भी दोनों एकदम पतली पतली, चलो और दोनों आपस में बात भी कर लेते हो गए अपने नेपाल की भाषा में, अच्छा चलो ठीक है आ जाओ, नहीं बहुत ही गंदा कर रखा था, और ये क्या चीज, अच्छा कोई रखे अपनी चाहिए, झाड़ू सफाई करवाने पोछा उछा लगवा, हर रोज धुलाई करा है, बाहर सफाई का थोड़ा ध्यान रखना, तो सफाई है हर किसी के लिए, गंदगी तो बीमारी आती है, तो ये लिए आई मैं अपनी भाभी को घर पे, कल इनके टेस्ट करा के दिखा के तब इन्हें गाँव भेजूंगी, है ठीक होके जाओगी, बिल्कुल घबराओ मत बिल्कुल भी,
एकदम बढ़िया से ठीक ऐसे जाओगी तेज तेज कौन की। तो देखिए मेरा आज का लुक मेरा रहेगा ये, क्योंकि आज है छठी, आज कान्हा जी की छठी है तो छठी मनाएंगे। अभी देखिए अभी मैंने आज ये पहनी है तो बताइए कैसी लगेगी। कलमकारी साड़ी है आज तो बता दिया आपने कलमकारी उस दिन नहीं बता पाई थी। तो ये आ गया, ये हो गई काजल पालने की तैयारी। देखो अब काजल पालेगा, कढ़ी चावल बने, लड्डू मंगाए प्रसाद के लिए, और कान्हा जी की छठी पास सबको पैसे बटेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वो वाले पैसे संभाल कर रखने होंगे। ये देखिए ये बनी है कढ़ी चावल और ये लड्डू भोग के लिए, और काजल पालेगा, अभी भगवान जी का काजल लगेगा लड्डू गोपाल जी का, और ये पैसे बधाई में, अभी बधाई बधाई वाला गाना चलेगा तो उसमें सारे भगवान जी की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा सर। देखो ये आ गए पैसे के लिए, आज पैसे बटेंगे। देखो ये काजल पल रहा है, भोग लग गया भाई। हाँ भोग लगा दिया, काजल लग गया कन्हैया जी के, लड्डू गोपाल जी का काजल लग गया, छठी मन गई इनकी। और अब देखो ये सब चीज, ये प्रसाद है जो बटेगा सबके लिए, और ये सबके लिए दक्षिणा। आ जाओ भाई, आदर तुम्हें मिले, बधाई मिल गई, बधाई लेकर ये मिल रही है लड्डू गोपाल जी की बधाई। ये संभाल के रखना, खर्च नहीं करने की, ये बधाई। आओ जल्दी जल्दी सब, अब कौन रहेगा छोटू, खड़े क्यों बहुत ही डरो तुम तो, बुला रहे हैं बस आ जाए। खर्च थोड़ी करने, खर्च नहीं करने, उनके मुझे दे दो ना, ये लखन के और ले ये नीति के, ठीक है, और ले ये कह रहे पापा के पर्स में रखना सामान के, और बोलू ले तू अपने ले, और ये मेरे, ये मेरे। A few moments later. अनिकेत आ जा, ये प्रसाद के लिए रख दिए, ठीक है अनिकेत, ये लो ये पैसे अपने संभाल के रखना, बधाई के हैं। तो छठी का खर्च नहीं करने, कभी निकलते स्कूटी से तू बहुत छोले भटूरे मोमोज। चलो जी बधाई हो, बधाई बधाई बधाई, लड्डू गोपाल जी की छठी का प्रसाद है जो हम बांटने जा रहे हैं सबके लिए। आ जाओ लड्डू भी है, लड्डू भी है, इसमें से लेते दी मैंने, जल्दी आ जाओ जितने भी हैं, प्रसाद है ठीक है, और क्या आज बधाई भी मिलेगी, जल्दी लेके आ, छठी है ना, कान्हा जी की छठी खुली है, ये लो, और सैंडी है, सैंडी में अंदर ही है, अंदर, अच्छा दो भैया लड्डू भी, अभी रुक जाओ ना, बधाई रह गई है, खर्च नहीं करने रखने पर्स में। ये कृष्ण जी के आज छठी है उनकी, ठीक है, अपने अपने पर्स में रख लो सब। और सब सारी घर के निकलेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अरे सारी डिस्कवर करना है। We'll be right back.
ब्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग ब्लॉग तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल रहे हो। भाई मेरे 1 मिलियन अभी नहीं हुए हैं, मेरे को जन्माष्टमी पे ही अपना भी केक कट कर देना चाहिए था। क्यों मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो इतना? आप मेरे को बहुत सारा सपोर्ट करो, आपके बगैर मैं अपना केक कट नहीं कर सकती। तो मेरे को केक जल्दी से कट करना, मैंने अपनी गोल्डन ड्रेस ला के रखी हुई है, सब कुछ उस दिन गोल्डन गोल्डन देखने को मिलने वाला है। तो